मैं तो आज यही सवाल इनफैक्ट मेरे दिमाग में था कि मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आज का सूर्य जो है वो अबू धाबी से निकला है। डेफिनेटली हमने देखा किस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने वन साइडेड मुंबई की, बिकॉज जब आप इतना बड़ा टोटल स्कोरबोर्ड पे हमने पिछले मैचेस में भी देखा इस लीग की, तो वैसे ही आप प्रेशर में होते हो और जब सामने राजस्थान रॉयल्स जिस तरीके से आपका टॉप ऑर्डर अभी स्ट्रगल कर रहा है, यशस्वी जायसवाल फिर से आए, फिर कहीं ना कहीं मैं कहूँगी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी दिखी, बट ठीक है उनके लिए ये अच्छा है कि वो वापस टीम में आए, बहुत मौके मिलेंगे, बहुत टाइम है अभी अपने आप को एज अ प्लेयर वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने का बड़े लेवल पे। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी संजू सैमसन फिर से वो जिम्मेदारी, शायद हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे कि अगर हम उनको ब्लू जर्सी में देखना चाहते हैं तो वो कंसिस्टेंसी उनको दिखानी पड़ेगी। आपको पता है विकेट कीपर का स्लॉट इंडिया टीम में खाली है। मैं कहूँगी थोड़ा सा अभी दो गेम्स बहुत निराशाजनक रही, दो गेम्स निराशाजनक रहे, कई बातें ऐसी रहें। इनफैक्ट राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें जो पॉजिटिव होती हैं तो जाहिर है इस मैच का रुख भी कुछ और होता, लेकिन